आई खान में वजीर आला पाकिस्तान और वजारत बिजली पानी की हदायत की रोशनी में मुल्क भर की तरह डेरा इसमाइल खान में भी बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मजीद इस वक्त डेरा इसमाइल खान से पावर प्लस न्यूज के ब्यूरो चीफ अजहर कुरैशी हमारे साथ मौजूद है। जी अजहर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, पेस्को वापडा डेरा इसमाइल खान टास्क फोर्स का पेस्को सब डिवीजन के अमले ने बिजली चोरों के खिलाफ कमर कस लिया है। एसडीओ सब डिवीजन मोहम्मद शोएब कुंडी और रेवेन्यू स्टाफ का बिजली चोरों के खिलाफ मुश्तरक ऑपरेशन जुनेदाबाद और गुलशन अली मुल्तान रोड और मुलहिका इलाका जात में किया गया। ऑपरेशन में 4 मीटर उतारे गए जिनके खिलाफ तकरीबन 15 लाख रुपये के बकाया जात थे। 15 अदर डायरेक्ट तारें उतारी गईं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके थाना छावनी पुलिस के हवाले कर दिया गया और 5 कंज्यूमर के मुरासला जारी किए गए हैं। इस दौरान बिजली की मद में लाखों रुपए के रिकवरी भी की गई। इस मौके पर एसडीओ सब डिवीजन मोहम्मद शोएब खान कुंडी का कहना था कि चंद बिजली चोरों की वजह से सारा मलहिका इलाका तकलीफ में होता है। अगर सही तरीके से बिजली इस्तेमाल की जाए तो ट्रांसफार्मर भी ख़राब नहीं होते और बिजली की तरसील भी जारी रहेगी। जिस इलाके में बिजली की चोरी ज़्यादा होती है फिर हमें उस इलाके में ज़्यादा लोड शेडिंग भी करनी पड़ती है, लिहाजा हमारे शहरियों से अपील है कि बिजली की बिल मुकर्रर वक्त पर अदा करें और डायरेक्ट कुंडा न लगाएं। इस दफ़ा हम कुंडा माफिया को वार्निंग दे रहे हैं, अगर वो लोग बाज ना आए तो दोबारा उनके खिलाफ ऑपरेशन करके कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।